ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मिन् काराय नमः शिवाय। मैं परमपिता परमेश्वर भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य भवानी शंकर शर्मा हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम वर्ष 2020 के आखिरी सप्ताह पर बैठे हुए हैं और आगामी आने वाला वर्ष है 2021। ज्योतिष की दृष्टि से 2020 में जो भी विचित्र घटनाएं इस ब्रह्मांड में घटी उसके सभी नकारात्मक परिणाम मानव जाति के ऊपर पड़े और संसार का प्रत्येक वर्ग उसने कष्ट पाया। व्यापार की स्थिति, आर्थिक स्थिति, सभी स्थितियां खत्म हो गई। 2020 का वर्ष को अगर अपन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जोड़ते हैं तो उसका अंक आता है 4 और 4 नंबर है राहु का। राहु ने 2020 में पूरे विश्व में एक विशेष प्रकार की तबाही मचाई जिससे संपूर्ण विश्व खतरे में है और आने वाला वर्ष है 2021। अगर अंक गणित के हिसाब से 2021 की गणना निकालते हैं तो अंक गणित के हिसाब से वर्ष 2021 का अंक बनता है 5। अंक ज्योतिष में 5 नंबर है बुध का और बुध है राजकुमार, बुध है युवा, बुध है जोश से भरा हुआ ग्रह, बुध है परिवर्तन का कारक। परिवर्तन मनुष्य की प्रकृति में, परिवर्तन व्यापार और धंधे में, परिवर्तन जीवन में, बुध परिवर्तन का कारक है। अर्थात 2021 का वर्ष कहीं ना कहीं अनंत संभावनाओं से भरा हुआ परिवर्तन की ओर दर्शाता है। प्रकृति के इस समय की मांग के अनुसार मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। मनुष्य पूरी तरह से कष्ट में जीवन 2020 में जिया है, अब उसके जीवन में एक शुभ और मंगलमय वर्ष का प्रवेश होना अत्यंत अनिवार्य है। किंतु पश्चिम संस्कृति के हिसाब से वर्ष 2021 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन भारतीय ज्योतिष वेदांग के हिसाब से हिंदू वर्ष चैत्र के माह में शुरू होता है। तो इस समय पर जो संवत्सर चल रहा है उस संवत्सर का नाम है प्रमादी, क्योंकि प्रमादी नाम संवत्सर जो है मार्च में जब चैत्र का महीना लगेगा तभी बदलेगा। जैसा कि इसके नाम से प्रेरित हो रहा है, प्रमादी, प्रमाद पैदा करने वाला। तो 2020 में हिंदू वेदांग ज्योतिष के अनुसार प्रमादी नाम संवत्सर ने मानव के अंदर प्रमाद पैदा किया, मनुष्य को आलस्य से भर दिया, उसको घर में बंद कर दिया और चारों तरफ एक प्रमाद की जैसी एक पागलपन की स्थिति, चारों तरफ कष्ट में जीवन इस प्रमादी नाम के संवत्सर ने दिया है। किंतु वर्ष 2021 में प्रमादी नाम संवत्सर के भी 3 माह बाकी हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। इसके हिसाब से अर्थ निकलता है कि वर्ष 2021 के प्रारंभ के 3 माह अभी कुछ असमंजस और कुछ उठापटक ऊहपोह की स्थिति बनी रही। अब हम विचार करते हैं वर्ष 2021 की ग्रह स्थिति के ऊपर। वर्ष 2000 की ग्रह स्थिति, शनि अपनी राशि मकर में ही रहेंगे और शनि के साथ में नीचस्थ स्थिति में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। हालांकि वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरु अपनी नीचस्थ राशि में है। मंगल, बुध और शुक्र समय समय से अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जो बड़े ग्रह हैं जिनका मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसमें शनि जो वर्ष भर मकर राशि में रहेंगे, बृहस्पति जो प्रारंभ के 2 माह मकर में रहेंगे और दिनांक 5 अप्रैल 2021 को सायं 4 बजे बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर से निकलकर शनि की ही राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे।
वर्ष भर राहु वृष राशि में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस प्रकार यह ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। इसके अलावा 23 मई से अक्टूबर 23 तक शनि वक्री होंगे और शनि की वक्र स्थिति समाज के लिए कुछ कठिनाई या जिनको शनि की साढ़े साथी चल रही है उनके जीवन में कुछ कठिनाइयां अवश्य आएंगी। अब ज्योतिष की दृष्टि से आने वाले वर्ष में क्या क्या खास बात है वो मैं आपको बताता हूँ। ज्योतिष की दृष्टि से 21 जनवरी 2021 और 21 फरवरी 2021 तक यानी एक महीने की स्थिति खगोलीय दृष्टि से ग्रहों की स्थिति बड़ी विचित्र बन रही है। 21 जनवरी 2021 से 21 फरवरी 2021 तक एक माह में ग्रहों की स्थिति बड़ी विचित्र बन रही है। ग्रहों की स्थिति मकर राशि में एक साथ सात ग्रह 11 फरवरी के दिन विराजित रहेंगे। पुनः सुने, 11 फरवरी 2021 को मकर राशि में एक साथ सात ग्रह विराजेंगे। शनि, गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा। प्रकृति में जब जब भी एक ही राशि में पांच से अधिक ग्रह विराजित बैठे तो कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं। अब वो अप्रत्याशित घटनाएं जिन पर मनुष्य का नियंत्रण ना रहे वो घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं। कोई विशेष प्रकार का भूकंप, सीमाओं पर किसी प्रकार का युद्ध या विशेष प्रकार का कोई सुनामी तूफान जिसमें मानव के जीवन पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव पड़े। ये आपको मेरा कोई डराने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो ज्योतिष के अनुसार वास्तविक ग्रह स्थिति है उससे आपको अवगत कराना मेरा नैतिक धर्म है। तो 21 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक 12 राशियों के सभी लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और अपने इष्ट की भगवान शंकर की इस समाज के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। वर्ष 2020 ने हमें बता दिया कि विज्ञान भी ईश्वर के आगे नतमस्तक हो चुका है। विज्ञान सभी दृष्टि से निष्फल रहा है ईश्वर की स्थिति के सामने या प्रकृति के सामने। इसलिए वर्ष 2021 के प्रथम 3 माह हिंदू वेदांग ज्योतिष के अनुसार जब तक तीन माह प्रमादी नाम संवत्सर रहेगा तब तक वर्ष 2021 में जनवरी, फरवरी और मार्च तक कुछ स्थितियां ऊहापोह की संकट की रहेंगी। और आर्थिक दृष्टि से देखें तो व्यापार की स्थितियां भी कुछ सम रहेंगी, लेकिन 21 जनवरी से 21 फरवरी के मध्य में जब मकर राशि में एक साथ सात ग्रह बैठेंगे तब सोना और चांदी में विशेष प्रकार का उछाल और शेयर मार्केट में एक विशेष प्रकार की उछाल और गिरावट यानी ऊंचाई और निचाई दोनों प्रकार की स्थिति देखी जाएगी। आगे हम आने वाले क्रम में 12 राशियों के 12 राशिफल बताएंगे। अभी मैंने आपको 2021 में किस प्रकार की ग्रह स्थिति रहने वाली है उससे आपको अवगत कराया है। 2021 का वर्ष आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। आप मेरे चैनल से जुड़े, अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसका प्रसार करें। मैं ज्योतिष में नई नई रोचक बातें आपको बताऊंगा। इसी के साथ मैं आपको विदा लेता हूं। नमस्कार। ओम शांति, ओम शांति।